कि इफ 21st and 22nd टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x^24 आर इक्वल देन एक्स इक्वल टू, बहुत ही तगड़ा सवाल है. देखो 21st टर्म में ना आर 20 होगा और 22nd में आर 21 होगा. एक फार्मूला होता है टी आर प्लस वन जो कि होता है एन कम्बिनेशन आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर. ये फार्मूला लेफ्ट साइड पे भी लगेगा राइट साइड पे भी. एन तो 44 ही रहेगा जो पावर है, ठीक है. यहाँ कम्बिनेशन 20 हो जाएगा और ए 1 है एन माइनस आर यानी 44 - 20 और माइनस एक्स की पावर 20 और राइट साइड पे 44 कम्बिनेशन 21 1 की पावर 44 - 21 माइनस एक्स की पावर 21, ठीक है. अब देखो ऊपर 44 का वेक्टोरियल 20 का वेक्टोरियल और 24 का वेक्टोरियल, यहाँ तो 1 की पावर कुछ भी हुआ नहीं रहेगा, यहाँ एक्स की पावर 20 हो जाएगा. 44 वेक्टोरियल, 21 वेक्टोरियल और 23 वेक्टोरियल. यहाँ देखो माइनस एक्स की पावर 21. अब कैंसिल क्या हुआ, ये 44 वेक्टोरियल हो गया. थोड़ी सी जल्दी हम कैलकुलेशन करें तो देखो 21 वेक्टोरियल को खोलेंगे तो ये भी 20 वेक्टोरियल, 21 इंटू 20 वेक्टोरियल, तो 20 वेक्टोरियल यहाँ का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी ना खाली 21 बचेगा क्योंकि 21 इंटू 20 वेक्टोरियल. इसी तरह ये स्टेप भी डायरेक्ट कर लो, इसे हम 24 इंटू 23 वेक्टोरियल लिख सकते हैं तो 23 वेक्टोरियल खत्म हो जाएगा, यहाँ 24 बचेगा और यहाँ से माइनस एक्स बच जाएगा खाली एक पावर क्योंकि 21 ये है 20 ये. अब देखो ये इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस 21 अपॉन 24 एक्स की वैल्यू यानी माइनस 7 अपॉन 8 आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.